बोलो, रिपीट करो। फाइल नंबर फाइन नंबर फाइन नंबर ऑफ फाइन नंबर ऑफ बेस। यस, तो पूरे चैप्टर में क्या फाइन नंबर ऑफ बेस, पीएनसी तो यही है, फाइन नंबर ऑफ बेस, फाइन नंबर ऑफ बेस। तो बार बार यूज करने के लिए जगह हम वी यूज द शॉर्ट एफ एन डब्ल्यू। ओके, तो फाइन नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट पार्ट, अभी किसी को चिल्लाना नहीं है आंसर, सबको सोचना है। सेकेंड पार्ट, फाइन नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन गो मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर। कोल्हापुर। देन थर्ड पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा। बस ओके, तो तीनों पार्ट का आंसर सोचो और फिर 30 सेकंड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तीनों पार्ट का सोचो, कम ऑन। मुंबई टू गोवा डायरेक्टली, तुम्हें पाथ दिख रहा है कितना है, मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर, सॉरी। थर्ड पार्ट, बस मुंबई टू गोवा, सोच लो सोच लो। चलो बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर। थ्री। सबको क्लियर है तो डायरेक्ट थ्री वेज है। मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर का क्या आंसर होगा, सोच के बोलो, कम ऑन, कितना है? एट। कैन आई से एट इज एक्चुअली टू इंटू फोर? मुंबई टू कोल्हापुर एंड कोल्हापुर टू गोवा गए तुम, कम ऑन। यस सर। कोल्हापुर एंड कोल्हापुर टू गोवा गए, एंड मतलब वेज मल्टीप्लाई होगी, मुंबई टू गोवा कोल्हापुर की टू, कोल्हापुर टू गोवा की फोर, और बीच में इंटू आएगा। ये आठ वेज कौन सी है, यहाँ पे एक बार समझा रहा हूँ, फिर अगली बार से तो बस एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरफ ध्यान रखोगे। देखो कैसा आया, अगर मुंबई टू गोवा इस वे से गया तो फिर आगे जाने के चार और रास्ते हैं, कमान। क्या सुनो? यस सर। यस सर। इस वे के चार रास्ते हो गए, फिर मुंबई टू गोवा अगर इस वे से गया तो उसके बाद भी आगे चार रास्ते हैं, टोटल मिला के कितने हो गए, एट हो गए। बस इस 4 प्लस 4 को कैसे लिखा गया है, 2 इंटू 4 लिखा गया है, कम ऑन सोचो। यस सर। यस सर। हमने तो सिंपल फंडा बना लिया कि पहले के दो, फिर एंड यूज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, और फिर आगे के चार तो 2 इंटू 4। उसके पीछे का फंडा ये है 4 प्लस 4 एक्चुअली, बट हब से हम बस ये बोलेंगे, खुद को समझाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, मुंबई टू कोल्हापुर जाना है दो वेज, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोल्हापुर टू गोवा जाना है फोर वेज। क्या सबको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एंड समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड, मुंबई टू गोवा, अब सुनना ध्यान से, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे स्टेप्स चाहिए। कैन आई से या तो मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाऊंगा, बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, एंड आ रहा है, बताओ। और I'll go to Mumbai to Goa via Kolhapur. Come on, agree करो, यही है? या तो मैं मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाऊंगा। Yes sir. दोनों तो नहीं कर सकते, मतलब दोनों कर सकते हो, but think of it like this कि मुंबई टू गोवा डायरेक्टली भी चले जाऊँ, कोल्हापुर के थ्रू भी चले जाऊँ। Obviously that is wrong ना? या तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा या फिर कोल्हापुर के थ्रू जाऊंगा, come on? Yes sir. Yes sir. तो मुंबई टू गोवा डायरेक्टली जाने का फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना था, थ्री वेज। मुंबई टू गोवा विया कोल्हापुर के जाने के 2 इंटू 4 वेज थे, कम ऑन, एग्री करो। यस सर। और बीच में और आ रहा है, मतलब क्या होगा, प्लस काउंट करनी है, देयरफॉर 3 प्लस 8, आंसर कितना है, 11। 11। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। वापस इंसिस्ट कर रहा हूँ क्या, कि इफ यू आर यूजिंग द वर्ड एंड देन मल्टीप्लीकेशन होगा, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड और देन क्या होगा, प्लस होगा। प्लस। I hope sir, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। यस सर। एक और एग्जांपल यूज करते हैं, फिर आप कॉपी कर लेना भले। एग्जांपल टू, लेट्स से एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल,
second part. Find number of ways of selecting a boy and a girl. एक लड़का एक लड़की दोनों select करना है तो उसके कितने ways होंगे? Find number of ways of selecting a student. Come on. मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, मुझे कैसे सोच रहे हो कैसे लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना. जल्दी जल्दी तीनों पार्ट का सोच लो, बोलना नहीं है, सोच लो. चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर, अ गर्ल 20 वेज, बिल्कुल सही. हाँ बच्चों. यस सर. यस सर. अच्छा अ बॉय एंड अ गर्ल, कम ऑन. अ बॉय के कितने वेज है? 10 वेज. गर्ल के कितने हैं? 20 वेज. 20 मल्टीप्लाई 200. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट, कम ऑन. मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आगे की लाइन बोलो. अ स्टूडेंट कैन बी, आई कैन सिलेक्ट a boy or a girl. Agreed na? Yes. Yes sir. A boy or a girl. So boy ke 10 ways or matlab plus 20. So answer is 30. Kya hai sabko clear hai ab to fundamental principle of counting FPC? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Aur bhi abhi practice karte hain, but ye copy kar lo yahan par. आई थिंक अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पीएनसी में ये सब किया जाता है. नंबर ऑफ वेज, ये तो बहुत ऑब्वियसली इजी चीज है, धीरे धीरे और टफ बनाए थे, बट पीएनसी मतलब काउंटिंग. बाइनोमियल थोड़ा सा अलग होता है. बिल्कुल इसी चैप्टर में क्या लिखा है, हेडिंग का नाम मैंने बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल में ही कॉपी करो. पहला वाला एग्जांपल हो गया कॉपी? यस सर. यस सर.
हाँ भाई कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? यस कोई डाउट? नो सर. नो सर. ओके तो देखो फिलिंग अप प्लेसेस क्या मतलब है, अभी लिखना बंद कर दो. लेट्स ए सिंपल एग्जांपल, तीन पर्संस हैं ए बी सी. फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सिट इन थ्री चेयर्स. तीन पर्संस हैं, तीन कुर्सी पे, तीन चेयर पे कितनी वेज से बैठ सकते हैं? कहना ऐसे ये तीन चेयर हो गई, समझा सकता हूँ ऐसा? यस सर. यस सर. यस सर. तो देखो अब एक हम बिल्कुल सिंपल मैनुअल काउंटिंग कर सकते हैं. मैनुअल काउंटिंग कैसे? कि एक वे होगी ए बी सी बैठे, एक वे होगी ए सी बी बैठे. कम ऑन, आर यू विद मी? यस यस सर. तो देखो ए को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दिया, तो मैंने सेकंड और थर्ड को चेंज किया, एग्री करो? यस यस. अब फर्स्ट पोजीशन पे और कौन आ सकता है? बी आ सकता है, करेक्ट? तो बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है. Can I say B को first position पे fix करती सारी ways हो चुकी है? Yes sir. अब C first position पे आ सकता है, तो therefore C A B और क्या हो सकता है? Sorry C B A. Yes. So there are manually count कर लिया मैंने कितनी ways है, come on. Six ways. Six is the answer. क्या यहाँ तक कोई doubt? Manual counting में? No sir. No sir. But come on, हम तो intellectual हैं, manual counting हर बार तो करेंगे नहीं. PNC method मतलब multiply या plus, agreed? Yes sir. So देखो इधर, can I say first position को मैं कितनी ways से fill कर सकता हूँ? Come on. Three. First position को कितनी ways से fill कर सकता हूँ? Three ways. तो मैं ऐसे arrow बना के three लिखूँगा. Three क्यों? क्योंकि first पे A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है. Come on, agree करो? Yes sir. Yes sir. अब सुनना. कोई ना कोई तो आ गया होगा, ये हमेशा मानना पड़ता है. जैसे बॉम्बे टू गोवा के, याद करो, बॉम्बे टू गोवा विया कोल्हापुर के यहाँ दो थे और यहाँ चार थे. तो तुमने आंसर कैसे लिखा था? टू इंटू फोर लिखा था. यस सुनो. यस सर. यस सर. टू कैसे? कि पहले के दो वेज है. अब मान लिया, फिर तुमने क्या, चार लिखते हुए कहने से तुमने मान लिया कि वो किसी ना किसी से आगे पहुंच चुका है, किसी ना किसी से तो ट्रेवल कर चुका है ना. फिर आगे जाने के चार वेज है. कैन आई से लाइक दैट? यस सर. यस सर. यस सर. ये बोल रहा हूं, दूसरा वे लिखते वक्त हमेशा मान लो कि वो पहले पहले का काम कर चुका है. कैन आई से लाइक दैट? पहले का काम हो चुका है. यस सर. यस सर. तो मतलब सेकंड पोजीशन को फिल करते वक्त आंसर थ्री नहीं आएगा. बिल्कुल गलत है. क्यों? सेकंड पोजीशन को फिल करते वक्त मैं मानूंगा कि पहले पे कोई ना कोई तो आ चुका है. कम ऑन, एग्री करो? ए आ चुका है या बी आ चुका है या सी, कोई ना कोई तो आ चुका होगा. यस सर. यस सर. तो बी आ चुका है, तो अब सेकंड वेज, सेकंड पोजीशन को कितनी वेज से फिल कर सकता हूं मैं? दो वेज. टू. अब मान लो यहां पे सी आ गया, तो ऑटोमेटिक इस पोजीशन को कितनी वेज से फिल कर सकता हूं मैं? वन. वन. तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अब आंसर 3 + 2 + 1 आएगा, क्योंकि वो भी 6 होता है, या फिर 3 × 2 × 1 आएगा, वो भी 6 होता है. सोचो, कम ऑन, क्या आएगा? सर इनटू सर मल्टीप्लाई. सब जनों का बुलंद आवाज चाहिए, क्या आंसर होगा? मल्टीप्लाई. 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 क्या सबको क्लियर है? मल्टीप्लाई होगा. सबको क्लियर? बताओ क्यों? सर. व्हाई मल्टीप्लिकेशन? व्हाई मल्टीप्लिकेशन? Because can I say I have to fill first position or second position? Yeah, you have to fill first and second and third. Come on, bolo. And first, second and third. First, second. तीनों position fill करनी है. Come on, agree करो. मुझे तो तीनों fill करनी है. I have to fill first and second and third. Come on, yes or no? Yes. Yes. And का मतलब क्या होता है? और and का मतलब क्या होता है? Multiplication. So ways हो जाएगी 3 × 2 × 1. और कहना इसे यहाँ पे दो चीजें लिखे, एक तो मल्टीप्लिकेशन और एक कि टू लिखते वक्त हमेशा मान लोगे कि पहली पोजीशन पे कोई आ चुका है. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, 10 persons और 3 chairs,
बिल्कुल कर सकते हो मेरे साथ? यस सर। 10% से ऑब्वियसली सारे के सारे तो बैठ नहीं पाएंगे, कोई तीन ही बैठेंगे ऑब्वियसली, यूनिक एक कुर्सी पे चार चार को बैठा दो ना। तो लेट्स से ये तीन चेयर्स है, पहली चेयर को फिल करने के कितने वेज है? कमान बच्चों, 10 वेज। मान लो कोई भी आ चुका है, A2 आ चुका है, A2 A1 से A10 persons है ना, A1 से A10 persons है, तो सेकंड पोजीशन को कितनी वेज से फिल कर सकते हो? बुलंद आवाज, 9 वेज। लास्ट पोजीशन को 8 वेज। आंसर क्या हो जाएगा? 10 प्लस या 10 इनटू 9 इनटू 8। वेरी गुड, यहां तक कॉपी, बिल्कुल करेक्ट बच्चों, यहां तक कॉपी करो। फिलिंग अप प्लेसेस, ऐसे एरो बना के हम वेज लिखते हैं। ये मैनुअल काउंटिंग भी एक बार लिखो ताकि तुम्हें समझ में आए कि अच्छा मैनुअली भी करते हैं, खुद को समझाने के लिए कभी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बड़ी कैलकुलेशन के तो कभी नहीं करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। ओके, जल्दी फिनिश कर दो। एन पर्संस, थ्री चेयर्स, उसका भी आंसर लिख दो फटाफट। एन पर्संस, बस एन लिख दिया, एन के टर्म्स में आंसर आएगा। फर्स्ट पोजीशन हाउ मेनी? एन। एन। N minus 1. N minus 2. Answer plus or multiplication? Multiplication. Plus, yehi ways hai. Sir? Yes, bachche. Sir, Raghav sir, ne likha hai, agar hume aisi ye jo aapne third example diya hai abhi, agar bhi किधर भी ऐसी n के टर्म्स में आ गया तो हमें ये n n minus 1 n minus 2 को आगे भी सॉल्व करके लिखना है। बस ये आंसर है तेरा, बस नथिंग एल्स। बस डिपेंड करता है ना ऑप्शन में बच्चे, कि ऑप्शन में ये दे रखा है
या इसको ओपन करके ऐसा लिखा है तो भी तो वो टिक तो कर देगा ना यार। हाँ सर, ओके सर। तो तेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आंसर है ये। अब आंसर को इसको ओपन करके लिखा है या ऐसा ही छोड़ा है वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आई होप हो गया। तो एक लास्ट और कर लो मेरे लिए। इफ आई से फाइव पर्संस फाइव चेयर, जल्दी से आंसर लिखो, डब्बे बना के लिख दो। यस, कितना आंसर फटाफट? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, करेक्ट और नॉट? यस सर। इसी को आप फाइव फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? फाइव फैक्टोरियल। तो अभी तक देखो फैक्टोरियल समझा रहा हूँ, सुन लो। फैक्टोरियल को या तो ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल, या कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, बट 99% टाइम हम ये यूज करेंगे n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कौन होता है? फैक्टोरियल इज जस्ट अ वे, जैसे सिग्मा क्या होता है बच्चों बताओ? एक मैथमेटिकल सिंबल होता है। ये सुनो। यस सर। टू राइट व्हाट? टू राइट व्हाट? सम, समेशन। समेशन। वैसे ही फैक्टोरियल इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल व्हाट? वन। कम ऑन, देखो। Product of consecutive. Yes. Are they consecutive? 5 into 4 into 3 into 2 into 1? Yes. Sir. Yes. Yes, sir. Sif natural numbers decreasing till 1. Yes, 1 tak jana hi chahiye. Dekho. Yehi 5 factor hota hai. Jaldi se agree karo. Yes. Toh agar main bolu 1 tak, agar main bolu 4 factorial, uska kya matlab hoga? 4 into 3 4 into 3 into 4 into 1. अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल तो क्या होगा? 3 into 2 into 2 into 2 man. 2 factorial, that is 2 into 1 only. 1 factorial, only 1 into 1. Yes, so 2 factorial की value 2, 3 factorial याद होना चाहिए 6, 4 factorial याद होना चाहिए कितना होता है? 24. Can I say मैं 4 factorial को देखना? 4 into 3 factorial भी लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये रहा, ये 3 factorial. Yes, sir. 3 factorial की value कितनी होती है? 6. 4 into 6, 54. ऐसे भी सोच सकता हूँ. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो 5 factorial क्या होगा? Can I say 5 into 4 factorial? Yes, sir. Yes, sir. 4 into 5, 120. 6 factorial, 6 into 5 factorial, 720. तो 6 factorial तक सबकी values याद रखनी. Is that clear? बट उसको तो भी डिफाइन करके हम कितना लिखते हैं? 1. उसका रीजन जब पीएनसी डेफ में पढ़ेंगे तब देख लेंगे. इज दैट क्लियर? अभी नहीं पता रहा. सबको क्लियर? सर, इस फैक्टोरियल का यूज क्या है? तू अपना पढ़ाई तो कर पहले, फिर यूसेज पूछना ना बच्चे. अभी टॉपिक तो करने दे तू पहले, यहाँ तक तो कॉपी कर पहले. ये चालू हुआ नहीं है, यूसेज पूछना है. रुक जा भी.
तनिष मैं बाहर निकाल रहा हूँ तेरे को आज, है ना, आई एम किकिंग यू आउट, ओके तनिष, मतलब क्या फालतू फालतू लेके जा रहा है, मैं बाहर ही निकालना चाहिए इसको, क्या फैक्टोरियल की सेकंड ईयर लिखा है अपने, अच्छे मैं निकाल ही देता हूँ इसको तनिष को, यहाँ तक हो गया सबका कॉपी, जल्दी करो जल्दी करो, यस बच्चे, सर हम लोग ने अगर पर्सन ज्यादा हुए तो वो वाला एग्जांपल देखा, लेकिन अगर चेयर ज्यादा है तो फिर वो रियल नंबर तो मतलब होल नंबर तक जाएगा तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन पूरा जीरो नहीं होगा, क्या बोल रहा है तेरा माइक समझ में नहीं आया बच्चे, वापस बोल, सर लाइक इफ देयर आर 4 पर्संस एंड 5 चेयर्स देन एक जीरो होगा ना, क्यों जीरो होगा, नहीं बैठेगा कोई, 4 पर्संस और 5 चेयर्स, यस सर, तो पहले सेलेक्ट करेगा कौन सी चेयर पे बैठेगा वो, फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए हम एनसीआर का यूज करेंगे जो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ओके सर, ओके, मतलब सीट्स का फिर क्या होगा, सिलेक्शन होगा, इज दैट क्लियर, यस सर, यस, तो अभी आगे की चीज बिल्कुल नहीं पूछनी है, कितनी बार बताऊं, जो अभी पढ़ रहे हैं उतना तो पूछोगे एक बार, सर पता ही नहीं था आगे है, यहां तो हो गया सबका, यस सर, यस सर, ओके, इधर देखो, मोर अबाउट एन फैक्टोरियल, सो पहली बात फैक्टोरियल नेगेटिव इंटीजर्स का होता है क्या, ऐसा माइनस टू फैक्टोरियल ऐसा कुछ होता है क्या, नो सेंस, ओके, कुछ भी मतलब नहीं होता है ना यूज होता है, सेकंड, ये अभी तुम्हें मैंने डिस्कस किया कि 6 फैक्टोरियल इज सेम एज 6 इनटू 5 फैक्टोरियल, सो कैन आई से n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल का क्या रिलेशन होगा, बताओ क्या एक और आएगा, n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n माइनस 1, n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस 1 फैक्टोरियल, आई होप क्लियर, 6 फैक्टोरियल 6 इनटू 5 फैक्टोरियल, तो अगर मैं कुछ सिंपलीफाई करने को बोलूं कि 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को सिंपलीफाई करो, तो वैल्यू वाइज तो कर ही सकते हो, बट कैन आई से कॉमन वॉमन भी ले सकते हैं आप, तो यस सर, क्या कॉमन, 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इनटू 5, क्लियर, यस यस, r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल क्या कॉमन है दोनों में, बताओ, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, देखो r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, क्या आ गया, r प्लस 1 माइनस 1 दैट इज r फैक्टोरियल इनटू कितना हो गया, r, करेक्ट बच्चों, r, यस वेरी गुड, देन थर्ड पॉइंट, अगर हम मैं पूछूं 4 पर्संस 4 चेयर्स क्या होता है आंसर, हां मतलब ऐसे करते हो ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग तो यही है ना, यस, बट अब से ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया है, फॉर्मूला हो गया है, फैक्टोरियल का यूज हो गया है, क्या नंबर ऑफ वेज ऑफ कैन आई से अरेंज कर रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरेंज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्संस इन एन चेयर्स इन एन पोजीशंस in n places, can I say answer kitna hoga, loud voice bolo, 4 factors, acha n factorial, ab se mere ko answer ye nahi chahiye ki 4 into 3 into 2 into 1, directly mujhe answer kisme bologe, factorial, factorial matlab agar main bolu 10 persons ko arrange karna hai 10 chairs mein, kya answer hai, 10 factorial, factorial, ek cricket team of 11 players ko different batting positions pe bhejna hai, तो कितनी पोजीशन होती है, 11 पोजीशन पे भेजना है, कैन आई से, यस यस सर, कम ऑन, 11 बैट्समैन को 11 पोजीशन पे ऑर्डर पे अरेंज करना है, तो कितनी वे से अरेंज कर सकते हो, बताओ आंसर, कम ऑन, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, तो सबको क्लियर है, फैक्टोरियल आपसे ऐसे फास्ट बोलेंगे हम, यस सर, यस सर, तो यहां से कॉपी कर लो,
केला खा रहे है? कहाँ गई थी? बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स से बात ना कर रहे हैं, सिर्फ क्लास पर ध्यान दो। यस, सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। यस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हेलो सर, आर यू श्योर? यस बच्चे। सर इसमें अगर जैसे कि 10 पर्सन है और 5 चेयर्स है तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो वो अभी कुछ नहीं करेंगे उसका। सॉरी, अभी उसका कुछ नहीं करेंगे, वो आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे। ओके ओके सर। सर जब चेयर्स कम हो जाएगी वो अभी आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो अभी उसकी बात मत करो। 10 persons में से 5 chairs वो तो easy है, yes, ये तो तू समझ सकता है। चलेगा देख आयुष, 10 persons 5 chairs है तो factorial में answer नहीं होगा obviously। हम fundamental principle पे जाएंगे, पहली position को कितने way से fill कर सकता हूँ? 10, इसको 9, इसको 8, इसको 7, इसको 6, तो बस यही answer है। 10 into 8 into 7 into 6, बस that's it। अगर factorial में लिखना भी है तेरे को, तो 5 factorial से ऊपर नीचे divide कर दिया। क्यों करा बच्चों, समझ गए? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. पूरा numerator कितना हो गया? बताओ। 10 factorial. 10 factorial और नीचे कितना हो गया? 5. बस यही answer है। कहीं option में ये देखोगे तो ये भी tick करोगे ना? Yes, sir. No. Yes. Yes, sir. Clear, Ayush? Yes, sir. Thank you, sir. लिख लो, ये भी example चलो, लिख लो। लिख लो, लिख लो। सर चलो, और कोई डाउट? इब्राहिम कोई डाउट था? यस सर, वो सेकंड रूल है उस पे जा सकते हैं सर, उसमें अगर n equals to 1 डाला हम लोगों ने तो 0 factorial की वैल्यू आई क्या? यस, तो हाँ वही पूछ रहा था सर। हाँ लेकिन 0 factorial define क्यों है? क्योंकि factorial तो define क्या होता है? product of consecutive natural numbers। तो उसको define कैसे किया गया वो अलग बात। यस सर, चलो आई थिंक हो गया सबका यहाँ तक। क्वेश्चन करो एक। Consider the word Tanish. Using all the letters of the word exactly once, using all the letters of this word exactly once. एक बार ही क्यों? एक ही नमूना है हमारे पास। First part. Find number of ways. Find number of
कितने सिक्स लेटर्ड वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, सिक्स लेटर्स वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म. देखो क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है, आंसर तो तुम एक चुटकी में बोल दोगे. कितना आंसर, कम ऑन लाउड वॉइस, नंबर ऑफ सिक्स लेटर्ड वर्ड, कितना आंसर? सिक्स फैक्टोरियल. छह लेटर्स को अरेंज करना है, कितनी वेज में अरेंज होगा? सिक्स फैक्टोरियल. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. चलो यहां तो कंप्लीट करो, फिर सेकंड पार्ट दे रहा हूं. रिपीट पार्ट ए. रिपीट पार्ट ए का मतलब क्या है अभी तक? सिक्स फैक्टोरियल मतलब नहीं, सिक्स फैक्टोरियल नहीं मतलब है कदे. रिपीट पार्ट ए का मतलब वही सिक्स लेटर्ड वर्ड्स ही बनाने. समझ में आया यहां तक? यस. रिपीट पार्ट ए मींस कितने नंबर ऑफ सिक्स लेटर्ड वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट. क्या ये रिपीट पार्ट ए सबको क्लियर है ना? कोई चिल्लाएगा नहीं आंसर, 10 सेकंड सबको सोचने देगा. लिख लो और आंसर भी सोच लो. कम ऑन. हर वर्ड सिक्स लेटर्ड वर्ड ही बनाना है, बट फर्स्ट लेटर में तो टी ही आना चाहिए. चलो चिल्ला के बोलो कितना आंसर. फाइव फैक्टोरियल. कैन आई से फर्स्ट पोजीशन को तो मैं वन वे से फिल कर सकता हूं? जल्दी बोलो. यस सर. और अब मेरे पास ए एन आई एस एच बच्चे हैं, वो पांच इन पांच पोजीशन पे कितनी वे से अरेंज हो सकते हैं? कम ऑन. फाइव फैक्टोरियल. क्या सबको क्लियर है 1 × 5 factorial इज द आंसर? यस. हाँ बच्चों जल्दी बोलो. यस सर. कॉपी कर लो. यस सर. कॉपी कर लो. जब बराबर आ जाओ तो बता देना. यस सर. यस सर. यस सर. रिपीट पार्ट ए. इफ ईच वर्ड बिगिंस विथ टी एंड एंड्स विथ एच. 10 seconds के बाद ही बोलो. अगले तब तक सोच लो, लिख लो. वही सिक्स लेटर वर्ड बनाने हैं, बट पहले पे फिक्स है कौन आएगा और लास्ट पे भी फिक्स है कौन आएगा. पहले की वन वे, दूसरे की भी वन वे. कम ऑन. फोर फैक्टोरियल सर. तो मुझे फोर फैक्टोरियल नहीं, मुझे ये चाहिए था 1 × 4 factorial × 1. सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. कॉपी कर लो. ओके वरुण जाओ. सबका कॉपी हो गया? यस सर. यस सर. यस सर. चलो वही रिपीट पार्ट ए. ईच वर्ड बिगिंस विथ टी और क्या बोलूं एस.
फर्स्ट पोजीशन पे या तो टी आएगा या एस आएगा. अब लिखो कितने वेज है, 10 सेकंड्स. 3, 4, 5, 6 तनिष वर्ड है और फर्स्ट पे कितनी वेज से फिल कर सकते हो लाउड वॉइस. टी या एस से. और फिर मैंने क्या सिखाया था कि आगे का लिखते वक्त मान लो यहाँ पे कोई ना कोई तो आ चुका होगा, टी या तो टी या एस आ चुका होगा. एग्रीड ना? यस सर. यस सर. तो एस हट गया. तो बताओ इन पांच पोजीशन के लिए कितने लेटर्स बचे हमारे पास? फाइव. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर. किसी को डाउट है? गुड 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 गुड. रिपीट पार्ट ए. इफ ईच वर्ड बिगिन्स विथ टी और एस एंड एंड्स विथ अ वोवेल. वोवेल समझते हो ना सब बच्चों क्या होता है? Yes. तो इन्हीं में से जो भी अवेलेबल है उन्हीं में से वो ही वोवेल से एंड होगा. कमऑन ये लिख दो बस मजा आ जाएगा. 2, 3, 4, 5, 6 तनिष वर्ड था. 4 × 4 फैक्टर. अरे चौक किसने मैंने बोला तेरे को बोलने के लिए? कौन है भैया? सर सॉरी सर. सोच लो. चलो पहली पोजीशन कितनी वेज? टू वेज. अब बाकी चार फिल करोगे या पहले एंड वाली फिल करोगे? एंड वाली फिल करोगे. यहाँ मान लो टी आ गया तो एंड पे कौन कौन आ सकता है? ए और आई. तो ए और आई तो कितनी वेज से फिल होगा? टू वेज. टू वेज. मान लो आई आ गया तो आई को काट दो. देखो तो अब कितने लेटर्स बचे? फोर. तो कितनी वेज से आंसर हो जाएगा? क्या ये सबको क्लियर है? दिस इज द आंसर. हाँ बच्चों सबको क्लियर? यस सर. यस सर. तो आंसर से ज्यादा कैसे सोच रहे हैं तुमने समझ में आया? जहां पे प्रॉब्लम है पहले उसको फिगर लिख रहे हैं फिर मान लेते हैं कि वहां पे कोई आ चुका है. डिड यू नोटिस दैट? मैं क्या करता हूँ हर बार? यस सर. यस सर. मैं इसको लिखता हूँ टू वेज फिर इसका आंसर लिखते वक्त मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई आ गया ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहती है कि टी तो गायब हो चुका है. एग्री करो? यस सर. यस सर. तो हमेशा काउंटिंग पीएनसी ऐसे ही करोगे. क्या आप सबको फैक्टोरियल का यूसेज समझ में आ गया बेसिक? यस सर. यस सर. कोई डाउट यहाँ तक? सर यस सर. बोल बच्चे. सर अगर टी खुद एक वावल होता तो वो दो पॉसिबिलिटीज इधर तो होती लेकिन आई पे जो लास्ट पोजीशन है अगर टी वावल होता तो लास्ट पोजीशन पे ऑलरेडी एक फिल हो चुका होता ना. तो बस इसलिए केसेस लेते हैं अलग-अलग. वही पीएनसी है. पीएनसी में टफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे कि मैं बोल दूं ईच लेटर बिगिंस विद टी और एस एंड एंड्स विद अ वावल और टी तो फिर टी यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है तो अलग-अलग केसेस लेंगे. ठीक है. वो क्वेश्चंस पीएनसी में देखेंगे. अभी तो बेसिक यूसेज देख रहे हैं. पीएनसी नहीं कर रहे हैं. आई होप यू गॉट दैट. हर टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. यस और नो बच्चों? यस. अभी हम पीएनसी क्यों कर रहे हैं बस बताओ? फैक्टोरियल समझने के लिए क्योंकि फैक्टोरियल बाइनोमियल में यूज आने वाला है कहीं ना कहीं. एग्रीड? यस सर. यस सर. बस डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस के क्वेश्चंस में क्या होगा? अरे वो तो चैप्टर है पूरा तुम्हारा. तब पढ़ेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे तब प्रैक्टिस शीट करेंगे सब करेंगे. तो जैसे अगर यहाँ टी यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है तो केसेस लेना पड़ेगा. केस वन की टी से स्टार्ट हो रहा है केस टू टी से एंड हो रहा है ऐसे कुछ करना पड़ेगा. चलो तो फैक्टोरियल समझ लिया. अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे परम्यूटेशन. चैप्टर का नाम क्या बोला था मैंने? बाइनोमियल तो चैप्टर है. बाइनोमियल के अलावा दूसरा चैप्टर क्या है जो पढ़ रहे हैं? तो अब परम्यूटेशन के बारे में समझ रहे हैं जिसको लिखते हैं हम एनपीआर. क्या लिखते हैं? एनपीआर. क्लियर है सबको?
हेडिंग लिख लो और फिर डेफिनेशन लिख दो, फिर समझते हैं. NPR means number of ways of arranging R objects in R places out of N objects available. यहां तक लिखो फिर समझते हैं अपन. अरेंजिंग को अंडरलाइन कर दो. ये कंप्लीट करके फिर लिखना बंद करो, आप समझोगे फिर. जैसे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिखते हैं तो वो एक सिंबल है टू राइट प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, करेक्ट और नॉट बच्चों? यस सर. तो वैसे ही npr भी एक सिंबल है जिसको, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी समझना है, उसका फॉर्मूला आएगा वो डिराइव करना है. तो अब लिखना बंद करो, इधर देखो. 6p3 का क्या मतलब है, क्या मतलब है डेफिनेशन के हिसाब से बताओ. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग व्हाट, कम ऑन, हाउ मेनी? 6 ऑब्जेक्ट्स. 3 तो क्या ना, इसे ऑब्जेक्ट ज्यादा अवेलेबल है बट अरेंज कम को कर रहे हो, कम ऑन. यस सर. यस सर. जो एक दो बच्चे पहले डाउट भी पूछ रहे थे वैसा ही है कि ऑब्जेक्ट ज्यादा है बट अरेंज कम को ही करना है. इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. अगर मैं 3p3 पूछता, come on, words में बोलो 3p3 का मतलब क्या होता? 3 objects. Arranging objects. Out of 3 objects. Come on, सोचो, वो तो factorial ही होता है, जल्दी सोचो, come on, 3 factorial. 3 factorial. तीन में से तीन को ही arrange करना है, मतलब वो तो कोई है ही नहीं, बस तीन को arrange करो, तो 3 factorial. But क्या ना इसे, जब मैं तीन को अरेंज कर रहा हूँ छह में से, क्या इसे सिलेक्शन भी हुआ है और फिर अरेंजमेंट भी हुआ है? कम ऑन, एग्री करो. यस सर. पहले तो सिलेक्शन हुआ है किसका, कम ऑन, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 6. सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 6, एग्री करो. यस सर. एंड देन तीन वेज, तीन ऑब्जेक्ट्स अरेंज हुए हैं, कम ऑन, बिल्कुल एग्री करो. यस सर. वापस बोल रहा हूँ, 6p3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 बट आउट ऑफ 6. दैट मींस ऑब्वियसली कॉमन सेंस कि पहले 6 में से 3 को सिलेक्ट किया गया है और फिर 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया गया है. सो npr डज बोथ, npr सिलेक्शन भी करता है एंड अरेंजमेंट भी करता है. क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे. वन मोर एग्जाम्पल, 5p2 का क्या मतलब होगा, 5p2 का मुझे वैसे पहले बताओ, सिलेक्शन किसका होगा पहले, तो सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 एंड देन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन टू प्लेसेस टू प्लेसेस. क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. यहाँ तो कॉपी कर लो एक बार, फिर आगे लिखते हैं, आगे फॉर्मूला डेराइव करेंगे एनपीआर का. फैक्टोरियल क्या करता है, सिलेक्शन करता है या सिर्फ अरेंजमेंट? फैक्टोरियल सिर्फ अरेंजमेंट. बट एनपीआर क्या करता है, दोनों. फैक्टोरियल मैं बोल रहा हूँ उसमें सिलेक्ट करो, सिर्फ अरेंजमेंट, सिर्फ सिलेक्शन या अरेंजमेंट, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट. Arrangement as well as selection. Both, sir. Both. सबको क्लियर है, दोनों करता है वो, सिलेक्ट भी करता है और अरेंज भी कर देता है.
अब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक दो एग्जांपल के साथ। Obviously, वरुण, N ही बड़ा होगा, ये तो सबको कॉमन सेंस है ना। NPR में कौन बड़ा होगा? N बड़ा होगा, R बड़ा होगा? N N N बड़ा होगा सर। N बड़ा होगा क्या? N R के बराबर भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ सर। DP three type का एग्जांपल। सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. चलो फॉर्मूला ऑफ एनपीआर डिराइव कर रहे हैं आप। वापस मेरे साथ देखोगे लिखना बंद तो मैं पहले एग्जांपल से फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। देखो 6P3 अभी करा था याद करो। वापस बोलो किसको सिलेक्ट कर रहे हो फिर किसको अरेंज कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ सिक्स ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज थ्री इन थ्री प्लेसेस थ्री पोजीशंस। बिल्कुल क्लियर। तो अब इसको मैं वही एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग की तरह करूंगा। प्लेसेस को फिल करना क्या ना इसे डब्बे तो तीन ही बनाऊं। कम ऑन एग्री करो तीन को ही फिल करना है। बट तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है? सो मेनी ऑब्जेक्ट्स टोटल कम ऑन कोई भी आ सकता है पहले पे तो बिल्कुल उस पर आ जाओ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे कम ऑन पहले को कितनी वे से फिल कर सकते हो? मान लो यहाँ पे बी आ गया तो फाइव और मान लो यहाँ पे क्या आ गया फोर। तो क्या इसके आंसर सबको क्लियर है? सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर हो गया। यस सर। यस सर का आंसर ये है। कम ऑन एग्री करो 6P3 का आंसर ये है। ये सुनो अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा बताओ? थ्री फैक्टोरियल। सो कैन आई से दिस इज द आंसर ऑफ 6P3? कम ऑन। कितने डब्बे बनाओ जल्दी से बताओ? वन टू थ्री एन या आर? कितने? वेरी गुड। फर्स्ट डब्बा, सेकेंड डब्बा, थर्ड डब्बा एंड आर डब्बा। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? बट टोटल ऑब्जेक्ट कितने सोच समझ के बोलना जैसे ऊपर बोला था। कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? वेरी गुड वेरी गुड। एन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट को कितनी वे से फिल कर सकते हो बच्चों? एन। एन एन। दूसरे को? एन माइनस वन। माइनस वन। एन माइनस वन। एन माइनस। तुमने तो जितना पूछो उतना ही बोलना है हमेशा। तुमने एसएनएस पढ़ लिया, पैटर्न देखना। सेकंड के लिए एन माइनस वन आ रहा है, थर्ड के लिए क्या आ रहा है? एन माइनस। देखो थर्ड के लिए n माइनस टू आ रहा है, फोर्थ के लिए क्या आएगा? n माइनस थ्री आएगा। मतलब फोर्थ के लिए ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं से n माइनस फोर प्लस वन आ रहा है। कम ऑन फोर्थ के लिए यही है ना? यस सर। तो सोच के बताओ r के लिए क्या आएगा? कम ऑन n माइनस n माइनस n प्लस वन। क्या सबको क्लियर है? लास्ट वाला होगा n माइनस r प्लस वन। कम ऑन। यस सर। क्लियर। So this is NPR equal to, this implies NPR is equal to N into N minus 1 into N minus 2 up to kahan tak? N minus R plus 1 tak, correct? Yes sir. अब जैसे ऊपर में factorial convert किया था तो 4 के बाद जितना का भी factorial था उससे multiply divide किया था, agree करो? Yes, yes. Yes sir. So N minus R plus 1 के बाद कौन सा term? Come on. N minus R factorial. n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन फिर वन तक। तो कहना इसे n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब बताओ ऊपर किसका फैक्टोरियल हो गया है? कम ऑन। n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। तो n p r का क्या फॉर्मूला हो गया बताओ बच्चों? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब
कहना इसे याद करने के लिए ऐसे बोल दूं कि ये सुपर इंडेक्स, इसको सुपर बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, कमॉन, सब इंडेक्स, सब इंडेक्स, हाँ, तो कहना इसे सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल, कमॉन, यस सर, तो देखो 6p3 के लिए भी यही आंसर आना चाहिए भाई, 6p3 का आंसर सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है, 3 फैक्टोरियल, एक दो और बताओ मुझे, 5p2 का आंसर कितना हो जाएगा फिर, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल क्लियर यहां तक, कॉपी कर लो, यस सर, कॉपी कर लो, यस, कॉपी हो गया सबका यहाँ तक, यस सर, यस सर, कोई डाउट इस प्रूफ में, नो सर, जल्दी से फिनिश करो, 10 seconds और, कोई स्लो कर रहा है तो उसके लिए, डन सर, तो एक बार समराइज करते हैं, अभी तक समराइजेशन, समराइज, चलो, ओके, फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज एन फैक्टोरियल, What is n factorial? किसको represent करता है? Can I say arranging n objects? N objects. Yes. मैं n objects को arrange करने के लिए बोल रहा हूँ, तो obvious है n places पे. Correct or not? Yes. Yes sir. मुझे कम बोलना होता तो मैं बोलता. Otherwise assume कर लो n objects, n places. So arranging n objects, answer is n factorial. और n factorial किसको represent करता है?
n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 tak. Everyone comfortable? Yes, sir. Second, NPR किसको represent करता है? Formula नहीं पूछ रहा हूँ. किसको represent करता है? Arranging R objects. Correct. आगे complete करो. Arranging R objects in R objects out of n objects. Out of n objects. Correct ना? Yes, sir. तो मतलब अगर इसको bifurcate करूँ तो actually पहले selection होता है as we have all understood selection of r out of n and then arranging r jaldi se okay karo yes sir matlab sabko clear hona chahiye npr mein arrangement n ka nahi ho raha hai kitna ka ho raha hai come on arrangement r ka hi ho raha hai r ka ho raha hai but tumhare paas object zyada available hai agreed na isliye pehle selection hoga yes sir तो NPR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सुपर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल जल्दी से ओके करो सो यहीं पे तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा एक और दिख गया देखना NPR इज इक्वल टू सिलेक्शन चलो वो बाद में नेक्स्ट में ही बता दूंगा यहां तक समराइजेशन भी वापस लिखना हो तो लिख दो और फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे तो NPR कभी भी मैं पूछूं क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हें बोलना चाहिए सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट करता है सिर्फ अरेंजमेंट हेलो सर नहीं मेरे को हेलो नहीं चाहिए कॉपी कर ओके कॉपी करो पहले कॉपी करके सोचो अपना डाउट जब मैं पूछूं डाउट तब पूछना हाँ बच्चे आप पूछ आयुष सर इसमें एनपीआर में एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ना यस ओके ये पहले भी बात कर चुके हैं बच्चे एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओके थैंक यू सर और सर मेरा लैग हो रहा है इसके जैसे लगता है छूट गया रहेगा कोई बात सबका कॉपी हो गया बच्चों यहाँ तक तो एक दो एग्जांपल भी कर लो साथ में एग्जांपल वन फाइंड द वैल्यू बोलूं तो फिर ये फैक्टोरियल में रख के उसका आंसर निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p2 डिवाइडेड बाय 5p3 सेकंड फाइंड नंबर ऑफ वेज In which four seats can be occupied by अच्छा पहले का आंसर जल्दी से लिखो फिर हम सेकंड क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फिर जल्दी से लिखो 6p2 का क्या वैल्यू होती है फॉर्मूला क्या होता है 6p2 का फॉर्मूला बोलो 6 factorial by 4 factorial 5p3 का फॉर्मूला 5 factorial by 2 factorial जल्दी से सिंपलीफाई करो कैसे करते हो मुझे देखना है कुछ कट सकता है बिल्कुल कैंसिल हो सकता है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल को एनीबॉडी 6 into 5 factorial वेरी गुड और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 4 into 3 into 2 factorial लिख सकता हूं यस सर सुदीप की गलती इब्राहिम करेक्ट कोई डाउट पहले क्वेश्चन में नो सर फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच फोर सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट पार्ट
पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर एक सब मुझे एकदम से आंसर चाहिए गाइस, यहाँ तक आ जाओ. फाइंड नंबर ऑफ वेज इन व्हिच फोर सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय कोई. आंसर चिल्लाएगा नहीं जब तक मैं पूछूंगा नहीं. बराबर आ गए? Yes. Yes, sir. चलो फर्स्ट पार्ट. फोर पर्सन, जस्ट अ सेकेंड. सेकेंड पार्ट, सिक्स पर्सन. ऑब्वियसली दोनों पार्ट के लिए ये तो मानना कि वन पर्सन पर चेयर, यू नहीं कि एक कुर्सी पर सबको बिठा दो. ऑब्वियस चीज है, वन पर्सन पर चेयर. दोनों पार्ट का आंसर लिखो जल्दी से. पहले मुझे फॉर्मूला वाइज चाहिए, कोई सिंबल है तो सिंबल चाहिए, फिर उसकी वैल्यू बाद में. जैसे कोई फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल में चाहिए, कोई एनपीआर में तो पहले एनपीआर चाहिए. आई होप गॉट इट. पांच सेकंड और है, दोनों पार्ट सोच लो. यस एवरीवन, थॉट सोच लिया? दोनों पार्ट. हाँ चलो, फर्स्ट पार्ट का मुझे वैल्यू आंसर मत बोलना, मुझे फॉर्मूला चाहिए. अगर फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, एनपीआर तो एनपीआर. फर्स्ट पार्ट, फोर फैक्टोरियल. फोर फैक्टोरियल सर. वेरी गुड, फोर फैक्टोरियल. और इसका आंसर 24. बट क्या मैं फोर फैक्टोरियल की जगह 4p4 लिखता तो सही होता है गलत होता? सही होता. आई होप क्लियर है. 4p4 की भी वैल्यू वही होती है और लिखना भी सही. बिल्कुल ओके. यस सर. यस सर. ओके सर. यस सर. और सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? कम ऑन. अब ये मत पूछना सर हमें आंसर 6p4 में छोड़ना है या 360 में छोड़ना है. क्या आंसर दूंगा अगर तुम पूछोगे तो? ये ऑप्शन में डिपेंड करता है. ऑप्शन में यस, कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं 6p4 किसी ऑप्शन में. ऑब्वियसली वैल्यू वाइज भी डाल सकते हैं कुछ भी. ओके फिनिश करो. बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, बट आई होप क्लैरिटी है यहां तक. बिल्कुल Yes, yes, sir. Yes, sir. तुम खुद बताओ कि एनपीआर पे हम क्या पूरे डिटेल में जा रहे हैं, क्या पूरा टॉपिक फिनिश कर रहे हैं? No, sir. क्या लगता है तुम्हें कि मैंने फैक्टोरियल पूरा टॉपिक पढ़ाया या जस्ट तुम्हें प्रैक्टिकल क्या होता है वो समझाया विद वन और टू एग्जांपल? व्हाट डू यू थिंक? पूरा पढ़ा क्या होता है वो समझाओ. पूरा नहीं पढ़ाया. पूरा नहीं पढ़ाया. जब हम पीएनसी करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे. एक आध छोटे मोटे टेढ़े वाले कंसेप्ट और उसमें इन्वॉल्व करूंगा. अभी सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना बीटी में काम आएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक फैक्टोरियल पढ़ लिया, एनपीआर पढ़ लिया. एनपीआर कैसे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना. अब मेन जो आ रहा है उसी के लिए हम ये पीएनसी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. दैट इज एनसीआर. एनसीआर स्टैंड्स फॉर, गेस कर लो कौन होगा? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का दूसरा वर्ड है सिलेक्शन. अरेंजमेंट देख लिया, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट देख लिया. अब सिर्फ क्या है? सिलेक्शन. ओनली प्योर सिलेक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, विच इज डिनोटेड बाय द वर्ड एनसीआर. डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला डिराइव करना है जल्दी से. डेफिनेशन लिख दो. एनसीआर मीन्स नंबर ऑफ वेज. यस सिर्फ सिलेक्शन है, अरेंजमेंट है ही नहीं, तो अरेंजमेंट को दिमाग में मत डालना यहाँ पे. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ कम ऑन एन एन सिर्फ अरेंजमेंट. एनपीआर क्या करता है? सिलेक्शन एंड सिलेक्शन. और ये क्या है?
ये क्या है सिलेक्शन यस बिल्कुल रिलेशन है वही डिस्कस करना चाहते हम यहाँ तक कंप्लीट करो एनसीआर मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन तो 6C2 का क्या मतलब है व्हाट इज द मीनिंग वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ फॉर्मूला भी आता ही नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट नंबर ऑफ वेज ऑफ चलो अब लिखना बंद करो क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम आ गया कम ऑन लिखना बंद कर दो फॉर्मूला ऑफ एनसीआर तो वापस कैसे करेंगे एग्जांपल से ही करते हैं वो बेटर रहेगा 6P2 का क्या मतलब है मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मतलब क्या है Selection and arrangement. Selection of two objects. कैसे इसका ये मतलब है selection of two out of six. बीच में क्या use आ रहा है and या or and then and arrangement and arrangement of what two objects. Two objects. Yes. Yes, sir. अरे एक second. Arrangements of two objects. Okay. So 6P2 is selection of 2 out of 6 and arrangement of 2 out of 6. Come on, sab bachche mere hoshiyar hai. Selection of 2 out of 6 ko to ek aur symbol se represent kar sakte hain. Who is that? Upar hi likha hua hai. 6C2. NCR. 6C2. Correct bachcha yahan tak? Yes, sir. Yes, sir. And ka matlab plus lagate hain ya into lagate hain? Into. Kitna padh liya samajh mein aa raha hai? Appreciate kar rahe ho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And इसका क्या सिंबल होता है अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू का आंसर हो गया 6P2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बच्चों यस सर यस सर 6P2 का क्या फॉर्मूला होता है बोल दो अब 6P2 का फॉर्मूला क्या होता है कमाल 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल पहले से है 2 फैक्टोरियल भी आ गया कमाल यस 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 सर ये 6C2 की वैल्यू आ गई देखो कमाल 6 फैक्टोरियल मतलब सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब सब इंडेक्स का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मतलब डिफरेंट फैक्टोरियल तो यहां पे सब आ जाते हैं एग्रीड यस 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 सर अब फार्मूला बिल्कुल बोल सकते हो तुम एनसीआर का फार्मूला डिराइव करने के लिए आई विल स्टार्ट विद एनसीआर या एनपीआर कम ऑन एनपीआर 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 इज सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एग्री करो पहले तो यस And then arrangement of r object. R objects. So this implies NPR. इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम ऑन NCR. 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 And का मतलब multiplied by multiplication. Arrangement of r objects. R factorial. R factorial. So therefore NCR is equals to NPR divided by r factorial बच्चों. Yes sir. Yes. पहले बात तो आई होप ये रिलेशन तुमने देख लिया दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री देख लिया सबने यस यस और अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अब मैं एनपीआर की वैल्यू डाल देता हूं कितनी होती है एनपीआर की बच्चों एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होती है आर फैक्टोरियल और नीचे बेचारा आर फैक्टोरियल पहले से है सो फाइनल फॉर्मूला अब मैं अच्छे रेड पेन से लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीआर क्या होता है सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल सब इंडेक्स का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल बिल्कुल क्लियर एवरीवन यस यस सर चलो कॉपी करो ऊपर से ये कर लिया था ना
तो अब कभी भी पीएनसी के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम सबसे पहले क्या थॉट दोगे, इज द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट, इज द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, और इज द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब पहले ये सोचना कि क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन का है या क्वेश्चन सिर्फ अरेंजमेंट का है या क्वेश्चन में दोनों करना है, तो दिस थॉट शुड कम फर्स्ट। यस, डेरिवेशन में कोई डाउट किसी को? नो सर। उसको अभी समझना है कैसे यूज करेंगे अब इसको, बट डेरिवेशन में कोई डाउट? नो सर। ओके सर। यस, सो सम रिजल्ट्स अबाउट एनसीआर। पहले एनसीआर का फॉर्मूला तो याद हो गया ना, 62 की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू वैल्यू मतलब फॉर्मूला डालना पड़ेगा अब तो। क्या होता है फैक्टोरियल में बोलो पहले? 6 फैक्टोरियल को फिर 6 5 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा, करेक्ट ना? यस सर। तो बचा 6 5 अपॉन 2, 2 सही है 3 हो गया। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। तो बताओ कोई भी 6 से 0 की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू फॉर्मूला वाइज देख लो, कंसेप्ट वाइज देख लो, जो तुम्हारी इच्छा है। कहने से 6 से 0 का मतलब सिलेक्शन, सुनो पहले सिलेक्शन ऑफ 0 आउट ऑफ 6। कम ऑन। यस यस, मतलब किसी को सिलेक्ट नहीं करना आउट ऑफ 6, करेक्ट ना? यस यस सर। कम ऑन, बहुत ही सिली चीज पूछ रहा हूँ, तो सोचना कि कितनी वेज है जिसमें मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूं आउट ऑफ 6, तो थिंक एंड टेल मी, आंसर 0 होगा या 1 वे होगा? कम ऑन। 1 वे होगा, 0 नहीं होगा। ये समझ में आता है कि हाँ एक वे है, मत करो कुछ भी। कम ऑन। यस सर। आई नो इट्स ऑकवर्ड बट हियर इट इज सेंसिबल आल्सो, एग्री करो? इट इज ऑकवर्ड बट सेंसिबल कि 0 को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 6 तो कितनी वेज होगी, हम क्या बोलेंगे? एक वे है, कुछ मत करो। एम्प्टी सेट को भी बोलते हो ना कि यस ये लिख रहे हो एक तरीके से, एम्प्टी सेट। बस 60 का आंसर कितना होगा बताओ? 1। ये हमने कैसे देखा? कंसेप्ट वाइज देखा, एग्रीड? यस सर। क्या सेम आंसर फॉर्मूला वाइज भी आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो 60 का आंसर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। कम ऑन। यस सर। यस सर। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू इसलिए हम 1 लिखते हैं, और वन आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. अच्छा तो ये 60 का आंसर 1 है, व्हाट अबाउट 50? 1 ही है। पहला रिजल्ट ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी NC0 का आंसर क्या होता है? 1। यस सर। कॉपी एक साथ कर लेना, मेरे साथ सुनते जाओ। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? एक को सिलेक्ट करना है, कितनी वे से सिलेक्ट होगा? कमॉन, 6 पर्सन में से एक पर्सन, कितनी? 6 वेज। कमॉन, एग्रीड? यस सर। फर्स्ट पर्सन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड को भी कर सकते हो, थर्ड को भी कर सकते हो, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, सिक्स्थ को भी, तो 6 वेज हो गई ना? यस यस। अब देखो वैल्यू फॉर्मूला वाइज भी बिल्कुल सही आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख दिया 6 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गया, क्या आंसर आ गया? 6। मतलब 61 का 6 आया, 51 का कितना आएगा? 5। तो कौन सा रिजल्ट याद करने को बोल रहा हूँ? कोई भी NC1 कितना होता है? NC1 is N। बिल्कुल क्लियर ये भी पॉइंट? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट,
relation between 62 and 64. अब ये बहुत important है, मेरे साथ सुनना पहले. Relation तो value wise भी निकल सकता है, formula wise भी निकल सकता है, concept wise भी निकल सकता है. Agree? Yes. तो पहले value wise relation देखते हैं. Value wise मतलब formula लगाओ दोनों का. क्या होता है 62 का मतलब? 6 factorial divided by 4 factorial. 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial. 64 का भी क्या होता है formula? हाँ सर सही. समझ में आ गया क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? Yes, yes. 62 is same as 64. अब come on, तुम concept wise इसको सोच लोगे तो I'll be very happy. सोचो कम एंड फिर मुझे यस चाहिए चैट पे. कंसेप्ट वाइज समझ आ गया नंबर ऑफ वेज वाली. कम ऑन सोचो कि कंसेप्ट वाइज. हाँ अच्छा 62 का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 6. कम ऑन. और वैल्यू कंसेप्ट वाइज सेम है. चैट पे लिखो जल्दी से जैसे ही समझ में आ जाए तुम्हें. कम ऑन. चलो कैसे सोचा सुनना मेरे साथ. कैन आई से 62 का मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 6? यस सर. हां भाई यहां का फटाफट इंटरेक्ट करना. कैन आई से 62 का यही मतलब है कि 6 चॉकलेट्स पड़ी है उनमें से 2 चॉकलेट को सिलेक्ट कर लिया अलग से. कम ऑन. यस सर. यस सर. तो थिंक एंड टेल मी जब 2 को अलग कर दी 4 भी तो अपने आप ही अलग हो गई है. कम ऑन. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can I say that is same as number of ways of selection of 4 out of 6? Because when two ko alag kar rahe ho to 4 bhi to select ho gayi. Come on. Yes, sir. Yes, sir. So that is same as number of ways of selection of 4 out of 6. Jaldi se agree karo. Come on. Come on, bachcha. Yes, sir. Yes, sir. Aur number of ways of selection of 4 out of 6 ko hi kya bolte hain hum? 64. तो कंसेप्ट वाइज 62 एंड 64 सेम होता है. बताओ फील आ गया यहां तक? यस सर. यस सर. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो बोलते हैं वो तो बता दूंगा, बट अब इतना टाइम तो लगेगा नहीं. तुम्हें कैसे सोचना है? 62 है तो फिर डिफरेंस कितना है 6 और 2 का? 4. यस इट विल बी सेम एज 64. समझ गए? सेकेंड ये बार बार पॉप अप हो रहा है. तो अगर मैं पूछूं 5C3 दैट विल बी सेम एज 5C2. वैल्यू वाइज कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सेम होगा. कन्विंस हो जाओ. यस यस. ओके 10C4 विल बी सेम एज 10C6. तो कम ऑन. NCR विल बी सेम एज N minus R. इसको बोलते हैं flipping property. क्या बोलते हैं? Flipping. Flip कर दिया मतलब NCR को flip कर दिया. Difference NC N minus R. बिल्कुल clear everyone? Yes sir. Yes sir. यहाँ तो copy करो एक बार आराम से.
ओके आई थिंक सबका कॉपी हो गया यहां तक एवरीवन वन मिनट कॉपी कर लो कोई डाउट तो लेट मी नो यस कॉपी कर लो आराम से करो Yes, quite out. No doubt, no? Okay. Yes, sir, no, sir. Third is flipping property. NC0 ki value 1 hoti hai, NC1 ki value kitni hoti hai? N, correct, na? NC0 is 1, NC1 is N. What about NCN? What about NCN? N factorial. अरे गधो flipping से isn't it same as NC zero? Oh. Flipping से जल्दी बोलो. Yes sir. Yes sir. क्या बोला? One. नालायक महान नालायक एक नालायक गलत बोलता है दूसरा नालायक follow कर देते हैं ना? तो NCN कभी भी 66 दिखेगा उसका answer कितना है अब? Flipping say 60, answer is 1. Click low example. Sir? Abhi bola doubt poochne ke liye wapas. Jab doubt pooch raha hoon tab poocho, abhi nahin. NCN is same as NC0, it is 1. Next. सोच समझ के बोलना एन सी एन माइनस वन कम ऑन फ्लिपिंग से कितना हो गया जल्दी बोलो अरे जैसे 65 है फ्लिपिंग से कितना हो गया जल्दी बोलो फ्लिपिंग से कितना हो गया 65 हो जाता है सिक्स सो देयरफॉर वापस बोलो एन सी एन माइनस वन इज सेम एज फ्लिपिंग से NC1 और उसका आंसर कितना हो गया ये भी कॉपी कर लो तो कभी भी 65 दिखेगा फ्लिपिंग लगाओ डायरेक्टली 61 आंसर 76 फ्लिपिंग से 71 आंसर 7 यस ये फोर्थ रिजल्ट है तेरे को जो लिखना हो लिख यार नंबरिंग से भी मेरे को अब डाउट उसमें भी डाउट पूछेगा नंबरिंग तो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता वैसे तो फिफ्थ है थर्ड फ्लिपिंग बताई फोर्थ ये बताया और ये फिफ्थ बताया हाँ आप कोई डाउट यहां तक ठीक है गुड चलो आगे बच्चे एवरीवन आगे बढ़ सकता हूँ यस सर तो लास्ट पॉइंट जो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है अब ये समराइजेशन वाला पॉइंट हो गया देखो सर कभी भी अब मैं अरेंजमेंट बोल रहा हूँ सिर्फ अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो आर प्लेसेस की बात कर रहा है और आंसर क्या हो जाएगा बोलो Second part. Number of ways of arranging four objects out of six objects available. So is the answer 4 factorial? Is the answer 6p4?
Multiple correct. Is the answer 64? Is the answer 64 into 4 factorial? 10 seconds hai, socho bas. Bolna nahi. Multiple correct. Ho sakta hai. Number of ways of arranging 4 out of 6. Kya first part sahi hai? A option sahi, galat. Jaldi bolo. Galat. 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 Kya B sahi hai? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Wo to usi ki definition thi, yaad karo, wo to definition thi na uski? Yes, sir. Yes, sir. 64 sahi hai? Galat. Nahin, kyunki 64 ka matlab selection hota hai ya arrangement hota hai? Only selection. Only selection. Only selection. Only selection. To puchha hai. तो कैन आई से इस क्वेश्चन में सिलेक्शन तो पूछा ही नहीं है डायरेक्टली तो अरेंजमेंट बोला है यस सर यस सर बट क्या ऑप्शन डी सही है या गलत है सही है सही है सही है क्योंकि सिलेक्ट करके अरेंज कर एक मिनट हां बिल्कुल सही बोला बच्चे कैन आई से वैल्यू वाइज तो सबको समझ में आ ही गया कि सही होगा यस यस सर बट कैन आई से कांसेप्ट वाइज भी अप्रिशिएट कर रहे हो कि डायरेक्टली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट करने से अच्छा मैं पहले सिर्फ सिलेक्शन कर सकता हूं And then arrangement कर सकता हूँ, mom? Yes sir. ये तो नॉलेज। Yes. तो इसलिए B और D बिल्कुल सही है। क्या किसी को doubt है यहाँ तक? No sir. तो अब हमसे कभी भी ऐसा question पूछे, तो हम क्या prefer करेंगे तुम्हारे हिसाब से? Option B या option D? मतलब दोनों सही हैं, I agree you. But तो भी मैं बोल रहा हूँ, कौन सा prefer करोगे? कौन सा ही सोचोगे हमेशा? D. तो हमेशा ऑप्शन डी सोचेंगे कभी एनपीआर तो सिर्फ क्यों पढ़ा हमने पता है एनसीआर के फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए कम ऑन एग्री करो एनसीआर के फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए एनपीआर अब उसके अलावा एनपीआर को भूल जाओ एनपीआर करेंगे नहीं हम हमेशा अरेंजमेंट फैक्टोरियल से करेंगे और अगर क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन का है तो एनसीआर करेंगे और अगर क्वेश्चन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का है तो हम पहले आराम से सिलेक्शन करेंगे फिर आराम से अरेंजमेंट करेंगे क्यों उसका सिंपल रीजन है क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते डायरेक्टली सिलेक्शन भी कर लो और अरेंजमेंट भी कर लो एक साथ ही क्वेश्चन क्या होंगे सिलेक्शन में भी वो केसेस डाल देंगे कि सचिन को सिलेक्ट करो कोहली को सिलेक्ट करो उसको सिलेक्ट मत करो अरेंजमेंट में भी वो कंडीशन डाल देंगे कि कोहली को भेजना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे ही भेजना है एनपीआर इतना आराम से हैंडल नहीं कर पाएगा एग्री विथ मी यस सर बट अगर हम हमारा माइंडसेट क्लियर रखें कि सिर्फ सिलेक्शन करना है अच्छा कोहली को तो सिलेक्ट करना ही करना है तो कर लो भाई उसके अलावा फिर बाकी 10 प्लेयर को सिलेक्ट करो कम ऑन एग्री करो यस सर यस फिर हमें बोल रहा है कि विराट कोहली को हमें सेकंड पोजीशन या फर्स्ट डाउन भेजना ही है तो ठीक है भाई भेज दो आराम से और बाकी को अरेंज करो कम ऑन यस और नो यस सर यस सर सो इस टाइप की केसेस कंडीशन ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया आई होप यू अप्रिशिएटिंग द चेन ऑफ थॉट कि एनपीआर डायरेक्टली कर देता है वो प्रॉब्लम है एक्चुअली क्योंकि वो केसेस हैंडल नहीं कर पाएगा तो इसलिए हम आराम से सिलेक्शन को अलग करते हैं आराम से अरेंजमेंट को अलग करते हैं Is that clear? Yes, sir. तो यही समराइज करके लिखा हूं अब कभी भी अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे तो हम आर फैक्टोरियल लिखेंगे कभी भी सिलेक्शन बोलेगा सिर्फ सिलेक्शन देखो सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन तो हमें क्या आंसर लिखेंगे बच्चों कम ऑन एनसीआर और अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट हमें बोला कि अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन दोनों करो अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन तो मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम पहले चेन ऑफ थॉट सोचना कि पहले तो सिलेक्ट करना है ऑफ आर आउट ऑफ एन एंड देन अरेंज करना है आर को कम ऑन एग्री करो यस यस हमेशा तुम पहले सिलेक्शन करोगे और फिर आर फैक्टोरियल से अरेंज करोगे क्या सबको क्लियर है यस चलो कॉपी करो यहां तक फिर एक दो क्वेश्चन देता हूं बोलिए एनपीआर भी आंसर है बट मैं बोल चुका हूं एनपीआर को हम प्रेफर नहीं करेंगे अब से लिखना बस
तो कोई भी पीएनसी का क्वेश्चन पूछो पहले कंसेप्ट सोचोगे सिलेक्शन का अरेंजमेंट का, फिर आंसर या तो फैक्टोरियल में या एनसीआर में लिखोगे और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े तो करोगे. इज दैट क्लियर? अदरवाइज आंसर एनसीआर में भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो. आंसर 64 इनटू 4 फैक्टोरियल में छोड़ सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है जब तक ऑप्शन नहीं बोल रहा है. एम आई क्लियर इनफ? यस सर. आंसर बिल्कुल एनसीआर में फैक्टोरियल में छोड़ सकते हो. कोई डाउट यहां तक बच्चों? Anybody? फालतू क्वेश्चन इब्राहिम. Anybody? गुड. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी करो. डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ बस के आंसर, बस जल्दी करना है ना, आराम से कॉपी करो एंड देन डू इट. ठीक है, सबका कॉपी तो हो गया होगा, नहीं हुआ तो भाई आगे बढ़ो. सबका हो गया बच्चों? यस सर. ठीक है, ठीक है. आउट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 11 books, distinct है obviously, सारी distinct है. distinct मैं क्यों लिखता हूँ, ये PNC में अभी सोचेंगे ना अभी इसके बारे में, क्योंकि distinct के अलावा identical भी हो सकता है, हो सकता है ना? Yes sir. Yes sir. वो अभी नहीं, वो PNC के लिए. Out of a collection of 11 books, मैं बहुत सारे parts बना रहा हूँ, कोई answer नहीं चलाएगा, सोचते जाओ, लिखते जाओ. Find number of ways of selection of 5 books. मुझे आंसर वैल्यू चाहिए या वो फॉर्मूला चाहिए कि एनपीआर एनसीआर फैक्टोरियल क्या चाहिए? फॉर्मूला. 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 वन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे विराट कोहली को सिलेक्ट करना ही करना है, समझ गए कि पता है हमें इसको बुक को लेना ही लेना है, समझ गए ना एवरीवन? यस सर. यस सर. टोटल हर क्वेश्चन के 11 बुक्स है. पार्ट डी के लिए भूलना मत, बुक्स तो तुम्हारे पास 11 है बट मैंने अरेंज 5 को करने का बोला है, तो दिमाग लगाना. चलो पांचों पार्ट्स कर लो और पांचों के आंसर पे चेक करो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस. पांचों कर लो, पांचों के चेक करो, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा.
हाँ क्या बच्चों सबका हो गया है, सबने सोच लिया? नहीं सर। चलो चलो सोचो सोचो, पांचों पार्ट करो जल्दी से। मुझे पांचों सही चाहिए, तो एक भी यूं जल्दबाजी नहीं, सारे करो फिर वी आर गोइंग टू चेक। सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूज कर, वो कंफ्यूजन खुद दूर कर। अगर तू ये स्पेसिफिक के बारे में सोच रहा है तो जैसे ये बुक्स को ये मान लो कि जैसे A1 से A11 बुक है, तो मैंने बोल दिया कि A7 को तो लेना ही लेना है। अब क्लियर? अच्छा हाँ 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 सर समझा। कि मुझे पता है एक बुक है बहुत अच्छी है, उसको लेना ही लेना है पार्ट बी के लिए। पार्ट सी में उस बुक को लेना है ही नहीं, ले ही नहीं सकता मैं। यस सर, यस सर। इसके सारे सही हो जाएंगे, मजे आ जाएगा। कम ऑन ढंग से चेक करो, सारे पार्ट चेक करो। मैं नीचे वाले पार्ट दिखा रहा हूं। ओके आई थिंक अब तो कर लिया है सबने, एग्रीड? हाँ मेरे बालकों अब कर लिया या अभी भी वेट करूं मैं? बोलो तुम बोलो जो करें। हो गया सर। ओके चलो सारे सही होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर चिल्ला के बोलो। 11C5। ठीक है बच्चों, पहला तो बहुत इजी था, बट अब से मैं हर क्वेश्चन में पूछूंगा उतना ही जवाब देना, ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 11C5। किसी को डाउट? यस नो सर। किसी को डाउट? नो, गुड। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ सिलेक्शन करना है या सिलेक्शन के अलावा अरेंजमेंट भी करना है सेकंड पार्ट में? सर ओनली सिलेक्शन, ओनली प्योर सिलेक्शन है। तो सोच के बोलना, 11 में से 5 तो करनी ही करनी है, 5 बुक तो होनी चाहिए, बट एक बुक को लेना ही लेना है, तो उस बुक के अलावा 5 को नहीं लेना है, उस बुक के अलावा कितनों को लेना है? 4। तो 4 कितने में से लेना है? 11 में से? 10 में से? 10 में से। 10 में से। तो चिल्ला के बोलो क्या आंसर होगा? चिल्ला के बोलो क्या आंसर होगा? 10C4। ये 1 क्यों लिखा है कौन समझाएगा? एक बुक वाले सिलेक्टेड और स्पेसिफिक, कहने से A7 को सिलेक्ट करने की तो वन वे है ना, वन पार्टिकुलर बुक सिलेक्ट करना है, कर ली भाई एक वे से, एंड देन बाकी चार सिलेक्ट की 10 में से 10C4। क्या सबको क्लियर है? यस सर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वन स्पेसिफिक बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड, ओके, तो उसको सिलेक्ट कर दो पहले तो वन वे। और ये क्या बोल रही है कि 10 चार को कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते, सॉरी सिलेक्ट कर सकते हो 10C4। बिल्कुल क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। कमॉन मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन है, मैं आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बट तुम्हारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर सर। चलो सी पार्ट का आंसर नहीं चाहिए, हम वैसे ही सोचेंगे। 5 बुक सिलेक्ट करनी है 11 में से, ओके, बट एक बुक जो A7 है उसको लेना ही नहीं है, तो उसको लेना ही नहीं है मतलब बाकी कितनी बची? 10। तो आउट ऑफ 10 कैन आई से 5 लेनी है या 4 लेनी है? 5 लेनी है। तो क्या आंसर है सी पार्ट का? लाउड वॉइस। 10C5। किसी का डाउट पार्ट सी? अब अप्रिशिएट कर रहे हो कि आराम से सोच सकते हैं ना कि जो भी कंडीशन डालेगा वी आर गोइंग टू ग्रेजुअली हैंडल इट, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो पार्ट सी वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बुक को लेना ही नहीं है, तो सिंपल बात है मत लो भाई, बाकी 10 में से 5 ले लो। आई होप मैंने बहुत सिंपल बोल दिया अब तो। पार्ट डी, 11 में से 5 को अरेंज करना है एक शेल्फ में, तो ऑब्वियसली शेल्फ में 5 अरेंज मतलब 5 पोजीशन मान लोगे, करेक्ट ना? यस यस। तो मेरा क्वेश्चन है पहला, पार्ट डी में सिलेक्शन करना है
या अरेंजमेंट करना है या दोनों करना है? कमॉन, खाली अरेंज दोनों करना है सर, दोनों करना है, बिल्कुल क्लियर है सबको। देखो मजे आ गया, दोनों करना है, भले लिखा अरेंजमेंट है बट एक्चुअली सिलेक्शन भी है ना। यस सर, यस सर, सर तो पहले क्या करोगे, पहले अरेंज कर दोगे या पहले सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली सिलेक्ट सर। तो कहना है इसे 11 में से 5 को सिलेक्ट करोगे एंड देन 5 को अरेंज करोगे? यस सर, यस सर। तो आंसर चिल्ला के बोल दो, क्या लिखूं? 11C5 इंटू फैक्टोरियल। वेरी गुड शुभम, अमीर, आचल, सबको क्लियर पार्टी? क्लियर सर, यस सर। 11C5 इंटू 5 फैक्टोरियल की जगह हम 11P5 लिख सकते थे क्या वैसे? यस सर, यस सर, याद करो, यस यस सर। बट तुम ही अभी बट तुम खुद अभी अप्रिशिएट करो कि सर अब NCR into R factorial बेटर है सोचने के लिए। कम ऑन, ये और कंफ्यूजन होता है। यस सर, यस सर, क्योंकि आराम से थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है कि सिलेक्शन करो भाई सिंपल और फिर फैक्टोरियल से अरेंज करो। एग्रीड? यस सर, यस सर। चलो पार्ट ई, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑफ 5 बुक्स। अगर एक पर्टिकुलर बुक को, कौन सी पार्टिकुलर बुक, वही A7 मान लो, उसको तो मिडिल में ही रखना है, मिडिल में रखना ही है। इसका क्या मतलब, उसको हमेशा सिलेक्ट करना ही है? यस और नो? यस सर, यस, ऑब्वियसली। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, 5 बुक्स को तो अरेंज करना है बट एक A7 वाली बुक को मिडिल में रखना है, मतलब ऑब्वियसली A7 को सिलेक्ट करना ही करना है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। तो वापस पार्टी के लिए पूछ रहा हूँ, इज द क्वेश्चन ओनली ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट? बोथ सर, बोथ सर। तो वेरी गुड, बताओ तो A7 को तो सिलेक्ट कर दिया, कितनी वेज में? वन वे में, वन वे, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। तो बाकी कितनी सिलेक्ट करनी है, कितने में से? कम ऑन, सिलेक्शन ऑफ 5, 4, 1 ऑफ 4 आउट ऑफ हाउ मेनी? 10. Out of 10. 10. And then arrange करना है 5 को जिसमें A7 भी है but A7 को middle में रखना है, correct or not everyone? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes. तो चलो पहले तो selection का काम खत्म करो, क्या लिखूं? 1 into how much? 10C4 into 2. Correct? यहाँ तो बिल्कुल clear सबको? Yes sir. Yes sir. अब बताओ कि आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा? 4 फैक्टोरियल। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बोलना कदे, क्या आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा? यस और नो? नो 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 सर। तो बताओ क्या आएगा, अब बोलो जो तुम्हारी इच्छा है बोलो। 4 फैक्टोरियल या 1 × 4 फैक्टोरियल। मिडिल पोजीशन पे A7 को रख दिया 1 वे से और बाकी 4 बुक्स को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। क्या सबको क्लियर? आप तो बिल्कुल बच्चों। यस सर, यस सर। एवरीवन? Yes sir. Yes sir. So honestly बताओ कितने जनों का 500 सही? Honestly किसी के थे सारे? हाँ? Anybody? No sir. Sir एक गलत गया. Last वाला? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes. तो उसमें क्या कर दिया, मतलब 11C4 कर दिया था कुछ या क्या? So 5 factor and 5 समझ रहा नहीं. सर मैंने 11C5 लिखा, तो वो 10C4 ही लिखा बट उसमें मैंने 2 फैक्टोरियल इनटू 1 इनटू 2 फैक्टोरियल कर दिया। बट तुम सब ये भी अप्रिशिएट करो कि मैं 1 क्यों लिखता हूं, समझ में आता है ना तुम्हें? व्हाट डू आई राइट? यस सर, यस सर। तो पीएनसी का एक रूल बनाने कि जिसको प्रॉब्लम होती है उसको पहले हैंडल करते हैं हम। कम ऑन, यस बताओ। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम किसको थी? A7 को क्या प्रॉब्लम है? मैं तो मिडिल में ही आऊंगा तो पहले उसको हैंडल किया ना मैंने। एग्री करो? यस सर, यस। और फिर बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो इजी हो जाता है, तो जिसको प्रॉब्लम है उसको पहले अरेंज कर। एम आई क्लियर? यस सर। मुझे वो क्लियर नहीं है पूरा, 1 क्यों आता है? अरे 1 क्यों आता है, A7 को अरेंज करना है ना। A7 को कितनी वे से अरेंज करेगा बच्चे? 1 वे से, क्योंकि मिडिल में ही रख सकता है। अगर मैं बोलूं कि A7 को या तो फर्स्ट या फिर एंड पे रखोगे तो फिर 2 आता, करेक्ट और नॉट? अच्छा, हाँ। A7 कितनी वेज में आ सकता है? 1 वे में ही आ सकता है, 1 वे में ही अरेंज होगा, मिडिल पे अरेंज करो बस, खत्म काम।
और बाकी चार बुक चार पोजीशन पे कितनी वे से अरेंज हो सकती है बच्चे? 4 फैक्टोरियल। यस। चलो अब सुनो, ये तो आई होप कंप्लीट कर लिया। अब मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह सोच के आना है। इधर देखो, इधर देखो, अगर ये तीन लेटर्स बोलूं मैं D1A D2, ये तीन लेटर्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट कितनी वे से होगा? 3 फैक्टोरियल 6 वे से होगा, करेक्ट और नॉट? यस यस सर। कौन सी ये 6 वेज हो, मैनुअली सोच सकते हो? यस यस सर। डी को मैनुअली D1A D2 D1 D2A, ओके पहली पोजीशन पे D1 को रखा था, अब पहली पोजीशन पे A को रखता हूं, D2 D1 these are the 6 ways, correct? Yes। अगर पार्ट बी में अगर D1 और D की जगह मैं बोल दूं कि भाई लेटर D आ गया है, तो कैन आई से तीन लेटर जिसको तुम अरेंज कर रहे हो वो D A D A? यस सर। मतलब आई होप तुम समझ रहे हो मैं किसका अरेंजमेंट बोल रहा हूँ। आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट नहीं है, दो आइडेंटिकल है, करेक्ट नॉट? यस सर। यस सर। देखो डी और डी आइडेंटिकल हो गए, तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है, कम ऑन एग्री करो। यस सर। इसमें कितना आंसर जाएगा, सो कितना आंसर हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे मैनुअली में कैन आई से हर जगह D1A D2 को सेम कर देता हूँ, डी लिखता हूँ, 2 फैक्टोरियल हो गया, दूसरा DDA हो गया, तीसरा ADD हो गया, चौथा ADD हो गया, तो चौथे को चौथा तीसरे चौथे को दो बार काउंट करोगे, एक बार ही काउंट करोगे तीसरे और चौथे? एक बार। ये कितना हो गया DAD, ये भी वापस काउंट करना है या हटाना है? हटाना है। ये भी हटा दो। तो बताओ कितनी वेज दिख रही है तुम्हें? 3 फैक्टोरियल। 3 वेज। 3 वेज 1, 2, and 3। Yes, sir. Come on, जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये 3 वे सोचना और एक्चुअली आंसर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, ये आपको सोच के आना है, थिंक एंड कम। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ये आपका होमवर्क है, सोचना है। अच्छा मतलब एक होमवर्क है कि अगर मैं कोई लेटर दूं जैसे मान लो हर्ष, हर्ष में एच कितनी बार आ रहा है बताओ? दो बार। टोटल 5 लेटर्स हैं, बट एच 2 बार रिपीट हो रहा है ना? यस सर। डिस्टिंक्ट 4 है। यस। तो इसका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा, ये सोच के आना है। दिस इज योर होमवर्क, इज दैट क्लियर? यस। तो कल ही हमारा लेक्चर है, हम इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। एवरीवन क्लियर? यस। चलो आज कम ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आज कोई डाउट नहीं, कल पूछो, ये खुद सोच के आओ थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन में नहीं, कोई डाउट नहीं, किसी में नहीं बता रहा मैं, आज नहीं बताऊंगा, खुद सोच के आओ, बस ये बोल रहा हूँ। क्लियर? जो भी अपना डाउट है सोचना और सोच के आओ, और फिर मुझे लेक्चर के पहले पूछना, ठीक है? ओके सर। ओके।